तो वहीं तमाम नेताओं को आपने सुना। दूसरी तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, शराब नीति घोटाले का फंदा, केजरीवाल पर शिकंजा, 2 घंटे सवाल, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में गुजरी रात, जेल से चलेगी सरकार। आखिरकार दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची और 2 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी की टीम केजरीवाल को गिरफ्तार करके बाहर निकली तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, जबकि बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने इसी महीने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के 9वें समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और शर्त रखी थी कि अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया है।